पता नहीं एक साइड कंटिन्यू दर्द हो तो खड़ी हो जा, साइड पे पेन पेन हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। तो गोलू को दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। चलो ना जल्दी चलो, अरे क्या पता वो ना हो जाए। भैया भैया ब्रेकर पे आराम से, बिल्कुल घबराहट होगी, पसीने भी आएंगे उसे। मेरे घर वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। और आज की जो वीडियो है आप लोगों ने देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि फाइनली गोलू का बच्चा हो गया है। मजाक में मत लेना, गोलू का बच्चा हो गया। अच्छा हमको सिखा रिया है। कृतिका मलिक यानी कि गोलू की डिलीवरी हो चुकी है, उसको बेटा हुआ है या उसको बेटी हुई है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे। पर आपको बता दूं ये सब खबरें झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो दोनों एकदम ठीक ठाक है। आए हैं नीचे फिफ्थ फ्लोर के लिए फ्रिज लेने, क्योंकि बाकी सब कुछ है, फ्रिज नहीं है। लेकिन गर्मियों में बिना फ्रिज के तो बंदा रह ही नहीं सकता। और गेस्ट वगैरह वहीं रहेंगे हमारे बच्चे, जैसे नितिन भैया, धीरज भैया, अनुज भैया, निशु भैया, सब लोग नीचे रहेंगे, तो उनको पानी वाने की दिक्कत ना हो। ये वाला जो फ्रिज है ना, ये फाइनल किया हमने और ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, 250 लीटर का है। कंप्रेसर की वारंटी भी इसमें 20 साल की है, तो हमें ये अच्छा लगा। जैसे हमारे फ्रिज में भी अगर जगह नहीं हुई ना, तो थोड़ा बहुत सामान हम भी रख सकते हैं। इतना बड़ा ले लिया मैंने, और आइस वाइस की दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए भी काफी बड़ा है फ्रीजर भी। अच्छा ये नहीं है गोलू हमारा, ना 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 ना, मैंने प्राइस देखा ना, ये वो नहीं है प्राइस। हमारा फ्रिज जो है वो नहीं था, ये था, हम भूल गए थे। प्रिंट दोनों का सेम था, इसलिए हमें लगा हमारा फ्रिज ये है, पर वो नहीं था, ये था। तो अभी हम शायद चेंज कर सकते हैं अपना आइडिया, पर मुझे लग नहीं रहा चेंज करने की जरूरत है। ये ठीक है, ये भी अच्छा फ्रिज है, क्योंकि यहाँ पे इतने यूजेज नहीं होगा। लड़के लोग कुछ खाना वाना तो बनाते नहीं, तो मेन यही है कि गर्मी का टाइम है, पानी मिल जाए और दूध के लिए चाय हो जाए, दूध रखा जाए, बस इसी यूज होगा। चलो फिर इसी का कर लेते हैं। तो गाइस अभी भी जहाँ हम आए थे ना फ्रिज देखने, वहाँ पे मेरे को फ्रिज इतना ज्यादा पसंद आया ना, इतना ज्यादा पसंद आया। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी, जैसे कि कैमरा लगा हुआ था, LED लगा हुआ था, आइस क्यूब्स अपने आप बाहर निकलती है, और गाना सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो। और ये तुम्हें बताएगा फ्रिज की तुम्हारा खाना कब खराब, मतलब फ्रिज में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना कि फ्रिज तुम्हें खुद बता देगा कि ये सामान खराब हो गया, बाहर फेंको, निकाल के। ओहो शिट यार, शिट, बारिश हो रही है। तो मेरे को इतना ज्यादा फ्रिज पसंद आया ना, तो गाइस वो लोग ना हमें बोल रहे थे कि काम करो मैम, अगर आपको ये 4-5 लाख का फ्रिज पसंद आ रहा है तो रख लो, पर हमने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम ऐसे फ्री में कुछ नहीं लेते, हमारा दिल नहीं। अंदर ही देखो भाई साहब हमारी, हम 4-5 लाख की चीजें यूं ही फ्री में किसी से नहीं लेते, क्योंकि हम करोड़पति हैं, समझे? एक्सीडेंट ही समझ लो, एक्सीडेंट टाइप का हो गया। एक्सीडेंट क्या हुआ है पायल बताएगी ब्रीफ में। तो एक्सीडेंट ये हुआ गाइस, हम लोग, आप सबको पता है हम लोग कहाँ गए थे, फ्रिज लेने गए थे। और फ्रिज लेके जैसे हम लोग घर वापस आ रहे थे घर की तरफ ना, तो जैसे कट पे थे ना, एक गवर्नमेंट सरकारी बस वाले जो होते हैं, एकदम से वो आया और उसने इतनी जोर से टक्कर मारी हमारी गाड़ी पे, हमारी गाड़ी का पूरा जो आगे का हिस्सा वो खराब हो गया। भगवान का शुक्र है कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गाड़ी की हालत दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और पूरी फ्रंट, मतलब हमारी खड़ी, ये लगा लो खड़ी गाड़ी, इसका हटियो जरा एक बार दिखाऊं यहाँ से। हाँ पूरी खड़ी गाड़ी थी, गाड़ी 10 की स्पीड पे भी नहीं चल रही थी यार। और कहाँ गई तू? और फिर बस वाला हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है, क्या करूँ, ये है वो, ऐसे कर रहा है दिमाग खराब। वो तो शुक्र है हमें कुछ नहीं हुआ यार, लोग अपनी गलती नहीं मानते। पायल हरियाणा रोड से फिरोजकोट पर, हरियाणा रोड थी, फिर वो आई तो अभी ना हमारी जतिन भैया का कॉल आया, मतलब उनको इन्होंने बताया होगा, क्योंकि हम इनको भी बताने में डर रहे थे कि ये फिर यही बोलते तुम क्यों जाते हो बाहर, मत जाया करो बाहर। और ये आज ही हमारे दुआ मांगने गए हैं अजमेर कि सब कुछ सही हो जाए, शायद वो दुआ काम कर गई और हमें कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी का डैमेज हुआ। गाड़ी का डैमेज तो क्या, वो तो ठीक हो जाएगा। जतिन भैया का कॉल आया, उन्होंने बताया कि जब शादी में कंगना बन जाता है ना, उसके बाद जैसे लड़कियां बाहर नहीं निकलती, ऐसे 9वां महीना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद प्रेगनेंसी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हमने भैया को बोला कि ठीक है भैया अब नहीं निकलेंगे, जैसे कुछ भी काम होगा लड़कों को बता देंगे, हम नहीं निकलेंगे। क्योंकि देखो अपनी ड्राइविंग पे तो इंसान को भरोसा होता है, लेकिन सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, सब पे भरोसा नहीं कर सकते। बस वाला भी इतना, मतलब मुझे इतना वो लग रहा था कि एक तो उसने हमारी गाड़ी पे मारा, इतना ज्यादा नुकसान किया, उसके ऊपर हम पे चढ़ रहा है कि क्या करूं क्या करूं, बोला वो, अब गुस्सा आया मुझे तो यार, समझ नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे ना हमने वो भी लगवा लिया, सुलोचन भी लगवा लिया, उसके बाद भी ना बारिश का पानी अंदर आ रहा है,
और यहाँ पे कारपेट वगैरह सब कुछ हटाना पड़ता है मंदिर वगैरह। तो मैं भैया को बुला के ना कल इसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज करवाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अलमारी बनवाने वाली हूँ और वो अलमारी भी फिर खराब हो जाएगी, स्टैंड लगवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ना गाइस, इस बार ना हमारी जो खेतरी है ना वो बहुत अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी आई है। तो मंदिर को हमने अभी फिलहाल यहाँ पे स्थापित किया है, अभी कल या परसों में हमारा उधर की मंदिर का पूरा काम हो जाएगा। बट हमारे घर में ये चीज अच्छी है कि हम लोग ना बिना चप्पल के रहते हैं, तो हम घर में गए चप्पल नहीं पहनते, इसलिए अगर हम मंदिर को स्थापित भी रखते हैं ना सब कुछ साफ रहता है पूरे घर में। हम लोग हमारे को आदत है स्टार्टिंग से कि ना चप्पल ना पहनने की। ये जो मैंने काम करवाया ना, ये काम जो भैया ने करा ना, ये काम बिल्कुल अच्छा किया, परफेक्ट किया है। इस काम से यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको जिससे मैंने ये वाला करवाया ना, उसी को कल बुला के इधर का भी कराऊंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा पानी आता है इस तरफ। गाइस, तो मैंने ये चीज सोची है, काफी टाइम पहले सोच ली थी कि पायल बेबी को जन्म घुटी तू दियो, ठीक है। तो हमारे पास छोटा सा प्यारा सा चम्मच है ना, उसका चांदी की, और चुनचुना थोड़ी जन्म घुटी पहले होती है ना, चुनचुना भी तो देंगे उसे चांदी का। अच्छा, तो गाइस चीकू के पापा से भी बात हुई थी, तो वो भी हमें डांट रहे थे मुझे पायल को थोड़ा सा कि तुम लोग ना बहुत लापरवाही करते हो, बाहर निकल जाते हो। तो मैं इतनी बार मना कर रहा है, तो अब इनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं और पायल बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, बस डॉक्टर के पास जाना होगा तब जाएंगे। और सच में इतने ज्यादा घबरा गए थे ये भी कि अगर तुम्हें 19-20 अगर तुम्हें हल्का सा भी कुछ हो जाता तो कहाँ जाते, तो कहते मैं इतनी दूर था मैं पहुंच भी नहीं पाता। तो बस वही ना टेंशन सी हो गई कि चलो यार गाड़ी को तो यार बंदा नहीं सोचता, दूसरी बात है गाड़ी, बट अगर हमें कुछ हो जाता तो सच में क्या होता। तो बहुत ज्यादा आज ना चीकू के पापा से भी डांट पीटी, उन्होंने हमें समझाया भी, और थोड़ा सा मूड भी ऑफ है मेरा पायल का, क्योंकि क्या ये जो चीजें हुई ना ये नहीं होनी चाहिए थी। होए 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 होए, ये तो नहीं होना था, लेकिन इनके गाड़ियों के पीछे लोग क्यों पड़े हैं यार, को समझ नहीं आता। काश मुझे मौका मिलता और ये गाड़ी मैं इनकी चुरा लेती। लोग ठोक के जा रहे हैं, कोई तो चुरा के जा रहे हैं, लेकिन सही बात ये है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा यार कि 9वां मंथ चल रहा है, इनको बाहर नहीं निकलना है। अकेली मैडम ही निकल रही है, दोनों खुद ड्राइविंग करके जा रही है। अरे इतने घर में नौकर क्यों रख रखा है तुम लोगों ने, जब खुद ने काम करने हैं, इतने सारे काम खुद ने करने हैं तो क्यों रख रखा है इन लोगों को, क्या करने के लिए रख रखा के। तो फाइनली अच्छा हुआ अरमान ने थोड़ा सा इनको डांट लगाई कि अब दोबारा बाहर नहीं निकलने का, मेरी गोपी बहू ऐसा नहीं कर सकती। माय गॉड, वाओ, अंदर चाय पी ले, थोड़ा सा लग जाएगा पेट में, हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं, हॉस्पिटल की बात नहीं है, शायद प्रेगनेंसी में ना डॉक्टर बोलती है ऐसा होता है साइड पे पेन ना, 10 मिनट आराम करती हूँ फिर देखती हूँ। 10 मिनट और देख ले, अगर ज्यादा लगता है फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो मरोड़ हो रही है, क्या हो रही है पता नहीं, क्या हो रहा है ना राइट साइड पे ना, जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसा हो रहा है मेरे को, जैसे अचानक से पेन उठ रहा है फिर शांत हो गया। अभी तूने मेरे को चाय के लिए बुलाया ना, मैं लेटी हुई थी, अब सही है, अब सही है। ये बोला था यहाँ से पेन आएगा, हाँ यहाँ से धीरे धीरे आगे आएगा, अभी तो यहाँ पेन हो रहा है कंटिन्यू। चल चाय पी ले, निकलते हैं डॉक्टर पे चले, 10 मिनट ना आराम कर ले, अगर नहीं अगर नहीं लगता है तो फिर चलते हैं। तेरी दवाई खानी जो डॉक्टर ने दी थी बस, नहीं नहीं दवाई नहीं खानी कोई, मेरा तो दूसरा सिस्टम है गोलू, तेरा थोड़ी वो सिस्टम है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि सुबह से मतलब कि गोलू की तबीयत खराब हो रखी है, तो अभी बस उसको पेन हो रखा ज्यादा। क्या हुआ है? तो दर्द हो रहा है यार, तो चल फिर हॉस्पिटल ले जा, जिद मत कर ज्यादा, चलो खड़ी हो। कितना दर्द हो रहा है ये तो बताओ, नहीं एक साइड कंटिन्यू दर्द हो, तो खड़ी हो जा फिर, चल खड़ी हो। चीकू चल जल्दी घर, चीकू मैं को फोन एक काम, चीकू घर इसको छोड़, चीकू तू घर रह, इसको रहने दो घर पे, क्या पापा इसको डील मत कर, चल ना खड़ी हो, चलो चलो मैं एक बार नितिन को फोन कर दूं, गाड़ी तुम बुलाओ, हां तू फोन उठा, आराम से क्यों दर्द हो रहा है बहुत देर से, कोई बात नहीं मेरे होता रहता, आजा आजा गोलू, मेरा हाथ पकड़, चल मैं सुबह से कह रहा हूँ हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो इसको, नहीं पता नहीं क्यों मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चलो यहाँ बैठ, एक मिनट रुक, बैठना है क्यों, गाड़ी तो निकलेगी, तो लिफ्ट तक आऊँ जब तक आ जाएगा। नितिन गाड़ी निकाल के रखो, गोलू को दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी 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 जल्दी, हम नीचे आ रहे हैं। लक्ष्य एक काम करिए, मैं फोन करूंगी अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो बैग में बता दूंगी क्या क्या रखना बैग में, वो लेके आ जाइयो, ठीक है? चप्पल पहन ले, चप्पल पहन ले, चप्पल पहन, आ जा मुझे, चप्पल पहन, हाथ पकड़ ले मेरा, चल चल आराम से आराम से, भाई पीछे भी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, चिकू लिफ्ट दबाए, ओ हीरो मैं दबा रही, मैं दबा रही, चल इधर आ मेरे पास, यहां मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं सिर्फ खड़ा नहीं हूं, कोई ना यार पेन किलर, अरे अभी तो एक पे आने, अरे 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत हो सब ठीक है, सब यार बोल नहीं पा रही मैं, मत बोल के आराम से, आराम भी कैसे आएगा दर्द है जब,
कोई बात नहीं, मेरे में कब से मैं कह रही हूं मेरे एक साइड पे दर्द हो रहा है, बड़ी जोर से हाथ ज्यादा लगेगा तो हॉस्पिटल आ जा, 10वें फ्लोर पे आ गया, आ गया 8वें फ्लोर पे आ गया, आ जा चिकू मम्मी का हाथ पकड़ दो जी, आ जा चिकू छोड़ना बेटा पेट। आपको ये भी ये वीडियो देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया इनकी वीडियो देखकर, तो आप लोगों को जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और वीडियो को लाइक कर देना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाकेदार इंटरटेन लेकर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।